मानसी खुराना और आसिम रियाज के बीच की बॉन्डिंग किसी से छिपी नहीं है। बिग बॉस 13 से दोनों के बीच प्यार पनपा और एक खूबसूरत बॉन्डिंग बनी। भले ही बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के प्यार के चर्चे हर तरफ होते थे, मगर हिमांशी और आसिम रियाज की बॉन्डिंग भी लोगों को काफी पसंद आती थी। मगर अब ऐसा लगता है कि आसिम और हिमांशी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, मगर इस बार मामला ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। लोग इतने दावे से जो इस बात को कह रहे हैं, उसके पीछे एक ठोस वजह भी है। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया है। इसके अलावा दोनों ने अपने अकाउंट से एक दूसरे संग खींची गई अपनी सभी तस्वीरों को भी हटा दिया है। इन सब दावों के मद्देनजर फैंस ये मान रहे हैं कि कपल का करीब 1.5 साल पुराना ये रिश्ता खत्म हो गया है। दोनों का ये रिश्ता बिग बॉस 13 के सीजन से शुरू हुआ था। हिमांशी ने आसिम के लिए अपना रोका भी तोड़ दिया था। बता दें, आसिम संग रिश्ते से पहले हिमांशी चाउ नाम के शख्स संग 9 साल रिलेशन में रही हैं। दोनों का रिश्ता बिग बॉस में आसिम से हिमांशी की बढ़ती नजदीकी के कारण टूट गया था। फैंस इस बात से बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। उनकी इच्छा है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना साथ में शादी करें, मगर दोनों का ऐसा अलग होना फैंस को मायूस कर गया है। उन्हें अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और वो इसे बस एक झूठ ही समझना चाह रहे हैं। कुछ लोग इसे पेड प्रमोशन मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। हिमांशी आसिम की बॉन्डिंग को पसंद करने वाले फैंस का दिल टूटता नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर हिमांशी का कहना है कि कई मामलों पर जवाब देने से बेहतर है चुप रहना। आसिम की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, ऐसे में इसे बिल्कुल कंफर्म नहीं माना जा सकता है। बता दें कि हिमांशी और आसिम कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आए। बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।